श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा और उस बच्ची की आत्मा को शांति तब मिलेगी। आज अनिशा के साथ हुआ है, अगर इसे नहीं रोका गया तो कल हमारे और आपकी बेटियों के साथ भी ये हो सकता है। दूसरी अनिशा हमें पैदा नहीं होने देना है, दूसरी अनिशा नहीं बनने देना। साइड का बात भी सुनते हैं और मैनेज कर लेते हैं किसी भी बात को, तो हम लोग ये चाहते हैं कि केस किसी भी मतलब ये में मैनेज ना हो, और मतलब छोटी मुंह बड़ी बात हो जा रही है लेकिन रियलिटी है तो बोलना पड़ रहा है। अनिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अनिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अनिशा को न्याय दो, हथियारों को फांसी दो, स्टॉप रेप सेम कर। और वो एक अच्छी इंसान भी थी, सिर्फ एक स्टूडेंट या सिर्फ मतलब हम लोग जानते हैं इसलिए ऐसा आए हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। मतलब वो अच्छी इंसान थी और ये चीज़ सबको ही जानता है। अनिशा को न्याय दो, हथियारों को फांसी दो। अनिशा को न्याय दो, हथियारों को फांसी दो। स्टॉप रेप सेम कर, स्टॉप रेप सेम कर, स्टॉप रेप सेम कर। अनिशा को न्याय दो, अनिशा को न्याय दो, हथियारों को फांसी दो। और वो एक अच्छी इंसान भी थी, सिर्फ एक स्टूडेंट या सिर्फ मतलब हम लोग जानते हैं इसलिए ऐसा आए हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। मतलब वो अच्छी इंसान थी और ये चीज़ सबको ही जानता है। मतलब वो ज़्यादा किसी से लगती भी नहीं थी, अगर जैसे हम लोग किसी को जवाब भी दे देते हैं रिटर्न में, वो किसी को जवाब भी नहीं देती थी और शायद इसलिए उसका फ़ायदा उठाया गया। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से किसी के साथ भी नहीं हूँ हम लोग, अनिशा जैसी और भी जितनी भी लड़कियाँ हैं उन लोग के लिए भी यही चाहते हैं कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। और जो लोग भी ऐसा है, चाहे वो जो अभी है या तो आने करते हैं, और पुलिस वालों से भी इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि वो लोग सपोर्ट करेंगे। सरकार से भी यही उम्मीद है, मतलब सिर्फ उम्मीद है, वैसे वो लोग तो काम उतना करेंगे या नहीं, ये नहीं पता। जांच हो, सीबीआई जांच हो, घटना का 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 जांच हो, सीबीआई जांच हो। अनिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अनिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अनिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। घटना की जांच हो, जांच हो, जांच हो। घटना की जांच हो, न्याय जांच हो। अनिशा को न्याय दो, स्टॉप रेप सेम कर, अनिशा को न्याय दो, अनिशा को न्याय दो, हथियारे को फांसी दो, स्टॉप रेप सेम कर, स्टॉप रेप सेम कर, अनिशा को न्याय। अनिशा जो हमारी बहन जो यहाँ पे जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उनके परिवार जो जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्लस जो आज के तारीख में जो कानून व्यवस्था इनके साथ सही तरीके से कॉपरेट नहीं कर रही है, इनको सही जानकारी नहीं दे रही है, हम आज कैंडल मार्च के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है, उसको न्याय समय पर मिल पाए और जल्द से जल्द मिल पाए। और इनको सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि इनके परिवारजनों को भी कुछ सहायता ऐसा दे सके जिससे इनका भी कुछ दुख दूर हो पाए। जी,
तो अभी हम लोग कहाँ पे करेंगे जो करने जा रहे हैं? हम अभी यहाँ पे एक कैंडल मार्च ले रहे हैं, यहाँ से हम लोग अभी चौक तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर हम टीओपी थाना के पास भी जाएंगे और थाना प्रभारी से भी हम लोग इस विषय में बात करेंगे और उनसे हमारी जो मांग है उनके सामने ये भी रखेंगे। कि वो लोग घूस लेके दूसरे साइड का
बात भी सुनते हैं और मैनेज कर लेते हैं किसी भी बात को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि केस किसी भी मतलब ये में मैनेज ना हो, और मतलब छोटी मुंह बड़ी बात हो जा रही है लेकिन रियलिटी है तो बोलना पड़ रहा है, किसी तरह भी मैनेज नहीं हो और हम लोग को इंसाफ चाहिए किसी भी हाल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कैंडल मार्च को सफल बनाने के लिए आप लोग यहाँ आए, अनीशा को न्याय दिलाने के लिए आप लोग ने जो तहे दिल से साथ दिया है, आप सबको मेरा आभार व्यक्त करती हूँ। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक अनीशा को न्याय नहीं मिलेगा, और सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच की मांग हो, मांग हो, सीबीआई जांच की मांग हो, जांच हो, जांच हो, सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, सीबीआई जांच हो, जांच हो, सीबीआई जांच हो। स्टॉप रेप, सेफ गर्ल, स्टॉप रेप, सेफ गर्ल, स्टॉप रेप, सेफ। फांसी नहीं मिल जाती हमारे लिए, ये सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जिस दिन अनीशा को न्याय मिलेगा। हम लोग सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। यहाँ आए जितने भी तमाम भाई और बहन सारे लोग इस कैंडल मार्च को सफल बनाने के लिए, तहे दिल से मैं सारे लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि अनीशा को सच्ची श्रद्धांजलि कब मिलेगी, जब उसे न्याय मिलेगा। अनीशा को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा और उस बच्ची की आत्मा को शांति तब मिलेगी। आज अनीशा के साथ हुआ है, अगर इसे नहीं रोका गया तो कल हमारे और आपकी बेटियों के साथ भी ये हो सकता है। दूसरी अनीशा हमें पैदा नहीं होने देना है, दूसरी अनीशा नहीं बनने देना है। ये रैली बीआईटी रुदिया ग्राम से निकाली गई है, विकास बीआईटी रुदिया ग्राम से। मैं आरपीआई से महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्मशीला देवी। जांच हो, हत्यारों को।